कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। छिंदवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत काराघाट कामठी में गंदगी का आलम कुछ इस तरह है कि ग्राम में जहां देखो वहीं सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं। गड्ढों में पानी जमा रहता है जिससे मच्छरों की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसके साथ ही ग्रामीणों को चलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नालियों और सड़क पर गंदा पानी ग्रामीणों के घरों और घरों के आसपास फैला रहता है। सड़कों की हालत भी जर्जर हो चुकी है। जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच से बार बार मिन्नतें करने के बाद भी किसी का इस ओर ध्यान नहीं है। ग्राम में बोरिंग पर गंदा पानी भी आ रहा है जिसमें से कीड़े निकलते हैं। ग्राम में बिजली की भी व्यवस्था नहीं है, कहीं लाइट जलती है तो कहीं बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ रहता है। कुछ ग्रामीण ने तो यह भी बताया कि ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो रोजगार दिया जाता है उसका भुगतान भी नहीं किया गया। आंगनबाड़ी जरूर बना दी गई लेकिन उसका रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता है। आंगनबाड़ी के आसपास भी गंदगी का आलम है। ग्रामीणों ने बताया कि महीनों से ग्राम पंचायत का ताला नहीं खुलता है। ग्राम पंचायत में हमेशा ताला ही लटका रहता है। जब ग्रामीणों द्वारा इस बात पर की सूचना मीडिया कर्मियों को दी गई और ग्राम पंचायत काराघाट कामठी सचिव को मीडिया कर्मियों के आने की बात पता चली तो ग्राम सचिव ने तुरंत आकर ग्राम पंचायत कार्यालय का दरवाजा खोला। लेकिन अब देखना यह होगा कि मजबूर ग्रामीणों की समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। सड़क बिच्छू बिच्छू रह सकता है ना, जिसके काटने से तो ऐसे मर जाए आदमी। बच्चे लोगों के लिए देखो ये क्या घास पाल के रहते हैं। सबसे मेन चीज तो ये है ये मतलब खुलना चाहिए ऑफिस ग्राम पंचायत। क्या है सबके काम रहते हैं, किसी का आय बनाना है तो किसी का जाति बनाना है तो किसी का मतलब बच्चों कोई चीज़ बनाना है, हर चीज़ बनाने को काम है। लेकिन वहाँ झिरपानी दो तीन किलो दो ढाई किलोमीटर पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है तो ऑफिस यहाँ का आय के लिए बनाए। अब वो आप अगर आप घर में काम होता तो ऑफिस का कोई ज़रूरत नहीं था ना। सोसाइटी भी आपकी दो किलोमीटर दूर है, गांव में नहीं है। उसमें परेशानी होती है। और दूसरी चीज़ क्या, हमारे यहाँ सोसाइटी भवन की मांग करते तो भवन भी बन जाता, लेकिन देखो बच्चे रोएंगे तो माँ दूध पिलाएंगे, बच्चे नहीं रोएंगे तो क्या जबरदस्त आपको क्या ज़रूरत है कि पिला सकते हैं। तो मेन चीज़ वो है। अरे दूसरी चीज़ सामुदायिक भवन बनता है, जैसे अपने शासन ये पंचायती चीज़ रहती, किसी की भी घर में रखते अपन। अब वो उनको बपरा कमाते तो वो बोलते अरे यार तुम्हारा बर्तन तुम बाहर कहीं भी ले रखो बोलते, तो अपन मजबूरन फिर वहाँ से वहाँ वो करना पड़ता है। अगर सामुदायिक भवन रहती तो अपने सारे काम में आते, चाहे शादी विवाह में भी आती तो मौसम खराब होती तो जनता वहाँ रुकती आराम करते। लेकिन ये चीज़ जो कामी चीज़ है ना वो चीज़ पर ध्यान नहीं देती है लोग, और जो उनका खुद का भलाई का चीज़ रहती उनमें फटाक से काम करवा लेते। और सब और दूसरी चीज़ पंचायत तो खुलना चाहिए। अभी बैठक तो कम से कम दो तीन माह का एक साल हो गए होंगे, आज तक की ग्राम सभा बैठक नहीं हुई, आम सभा बैठक नहीं हुआ ना, ग्राम सभा बैठक नहीं हुई। और क्या करते हैं क्या नहीं कोई पता ही नहीं। नाम बताएं आपका। रत्ते सिंह जी के। राजकुमार धुरे पंचायत सचिव। ग्राम पंचायत कौन सी पड़ती? काराघाट कामठी। अच्छा, अभी आपके गांव में भ्रमण किए हमने तो आमजन की काफ़ी समस्या थी, स्ट्रीट लाइट से लेके परिवार में कई वृद्धावस्था पेंशन चालू नहीं हो पाई, कई एक आधार कार्ड नहीं बन पाए, रोड की मरम्मत नहीं हो पाई, इस विषय में आप क्या कहेंगे? रोड जो सीसी रोड तो पुरानी बनी हुई है, तो 20 साल से बनी हुई है इनका कहना है ग्रामीणों का, उसकी ना मरम्मत हुई है ना नया कोई सेंक्शन भी नहीं हो रही। रोड नहीं सेक्शन करवाए है ना, डीपीडी में लिए हैं और आने वाले साल से बनवाएंगे। डेंगू का प्रकोप इस समय छिंदवाड़ा में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत से मरीज जिला चिकित्सालय में भर्ती है, एक मौत हो चुकी है डेंगू से, तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए ये समझ में नहीं आ रहा जो गंदगी जो है पानी है इसी से मच्छर पनपते हैं? अगर आपके गाँव में डेंगू होता है तो यहाँ पर अस्पताल भी नहीं है आसपास में? नहीं तो यहाँ पर है ना अस्पताल है ना, स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन गंदगी का जो अंबार दिख रहा है
इसके चलते ही बस मच्छर पनप रहे हैं और डेंगू की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इसको लेके क्या आपने इंतजाम किए हैं कुछ? नहीं, नाली साफ करवाएंगे ना, अभी ऑर्डर दिए हमने, दो चार दिन में नाली साफ हो जाएगी। और जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के अभी बल्ब खराब हुए हैं, लाना पड़ेगा, बल्ब फिर लगवा देंगे। ठीक, क्या शिकायत है? मेरे पंचायत में पंचायत महीने महीने भर खुलता नहीं है, वो आज ही के दिन है जो खुला हुआ है पंचायत, जिसमें भी पंचायत के सामने गंदगी है, जिसमें कम से कम नहीं तो एक एक फीट पानी भरा हुआ रहता है पंचायत के सामने हैंडपम्प है उसमें, और जगह जगह पे नाली जिसमें सफाई नहीं है, जिसमें मोटरसाइकिल जो यातायात के साधन में वाहन है, मोटरसाइकिल साइकिल, जिसमें बहुत सारी दिक्कत हो रही है आने जाने में। और जैसे हैंडपम्प है, हैंडपम्प के पानी में भी बहुत सारी समस्या है, जैसे पीने का पानी है, पानी में भी बहुत सारा, अभी जो बारिश का समय है, बारिश के जो पानी है बारिश का, उसमें छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं केचुए आने लगे हैं, तो उसमें जो हाँ कीड़े, तो हैंडपम्प के साथ जो पंचायत के सामने वाला हैंडपम्प है उसका ही पानी हम पीते हैं, हम काफ़ी दूर पड़ता है हमको, तो उसमें थोड़ा देख रेख में पेयजल की भी समस्या, पेयजल की, इसके अलावा और क्या समस्या पंचायत की समस्या? पाइपलाइन भी, पाइपलाइन फूटी हुई जगह जगह पे, उसका सुधार नहीं हो रहा है। सोसाइटी आपकी गाँव से बाहर है? जी बाहर है, 1 किलोमीटर दूर। हम चाहते हैं कि सोसाइटी को, एक बार हम लिख के भी दे चुके हैं पंचायत में, लेकिन सचिव सरपंच कुछ ध्यान नहीं दे रहे। सरपंच का क्या नाम है? मंगली भाई उइके। और सचिव का? सचिव का है राजकुमार ध्रुवे, सहायक सचिव कैलाश डोंगरे। पंचायत में उपस्थित रहते हैं? नहीं रहते, नहीं रहते, सहायक सचिव तो दिखता ही नहीं, और सचिव मेन सचिव भी नहीं दिखता, चार्ज भी उसी के पास है। आपका परिचय? मैं भगवान सभी के कार्यगत काम के लिए। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।